हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीरलेस गेमर की माइनक्राफ्ट की वीडियो की सर्वाइवल सीरीज़। तो पिछली वीडियो में मैं गुम गया था, लेकिन कोई बात नहीं, असल में कुछ नहीं, मेरे कोऑर्डिनेट्स वो रिस्पॉन पॉइंट जहाँ पे मतलब मैं बर्फ़ वाले एरिया में उसके बगल में ही था, वो जंगल था ना वहीं के, उसके बगल में थोड़ा बहुत मैं चला तो मुझे वही बर्फ़ वाला एरिया मिल गया। तो मैं समझ गया कि मतलब मैं वहीं पर आ गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो मैंने गेम को क्रिएटिव में शॉर्ट सेट किया और अपने कोऑर्डिनेट से यहाँ पर आ गया मैं, और अब सब कुछ ठीक है गेम में। तो वीडियो को अब हम शुरू कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम डायमंड्स ढूंढ रहे थे, बट हम नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग फिर से जाएंगे डायमंड्स ढूंढने। ये क्या हो गया, शायद मैंने नीचे वाले उसमें रख दी थी। तो पहले वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेते हैं, यहाँ से चलते हैं। मैं मेरी क्या ढूंढ रहा था, एक मिनट, इस वाले में बहुत दिक्कत आती यार। ये बैक साइड से बना रहा हूँ ना वीडियो में, तो मैं इसको वापस नॉर्मल कर लेता हूँ सेटिंग्स, और भूल जाता हूँ कैसे करना है। वीडियो में जाके फर्स्ट पर्सन पर, हाँ अब थोड़ा ईजी है। तो शायद मैंने नीचे रख दी थी, आयन की पिकेक्स दे रहा हूँ मैं। तो ये रही, हाँ मैं सही था। और एक स्वॉर्ड रख लेते साथ में, थोड़ी सी कैंडल्स और थोड़े से ब्लॉक्स ताकि इस्तेमाल कर सकें। तो चलते हैं हम लोग अपने नॉर्मल वाले एरिया में। नॉर्मल किस बात का भाई, कॉम्प्लिकेटेड ही है वो एरिया। तो रात तो नहीं हो रही ना, यहाँ तो हमेशा रात जैसे ही लगता है। मैंने यहाँ टॉर्चेस लगा दी थी ताकि मैं को दिखाई ना दे तो गड़बड़ ना कर दूँ मैं। तो स्टिल दिन ही हो रहा है, आई थिंक सो। तो कितना तो बोलता हूँ मैं, ये दिन हो रहा हो, रात हो रही हो, इन्हें तो मेरे को मारने आना ही है। पेस की मैं पर एक कॉप वेब क्यों पकड़ा हुआ है। हाँ तो पिछली बार हम इस एक मिनट, क्या वो डायमंड्स थे? ये नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत की। और यहाँ टॉर्च ऐसे ले लेता हूँ, डायमंड्स बाद में, पहले टॉर्च। चलो हाँ मैंने, अच्छा शायद अंधेरे के मारे मेरे को दिख नहीं रहे होंगे पहले, नहीं मेरे को तो अभी तो अंधेरे में भी दिख रहा है। ये टॉर्च यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यार मतलब इतनी मेहनत की मैंने, मैं उस तरफ गया था देखने के लिए, उधर गया था, मरा मैं और फिर गुम भी गया, और डायमंड यहाँ पे, मतलब क्या है, क्या क्या बकवास है, बकवास। चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक डायमंड मिला मुझे। आवाज़ नहीं आ रही, शायद ज़्यादा मंदी हो गई। हाँ तो खुश हो जाते हैं, मन नहीं हो रहा खुश होने का, फिर भी हो जाते हैं। हमको डायमंड्स मिल गए तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। अरे यार मतलब बिल्कुल पूरा इंटरेस्ट ख़राब हो गया आज वीडियो बनाने का, इतनी इजीनेस से नहीं मिलने चाहिए थे, थोड़ा तो मतलब डिफ़िकल्टी होता। मैं क्या करूँगा वीडियो में, मतलब वीडियो में कुछ करने को ही नहीं बचा। सोचा था डायमंड्स ढूंढने जाऊँगा और वीडियो ख़त्म हो जाएगी मेरी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो अरे यार ये फिर मारेगा, ये ले ये ले ये ले। तो मैंने यहाँ पे चढ़ने के लिए रास्ता बना रखा है ना, इसलिए ज़्यादा उछल रहे हैं, इसको तोड़ देते हैं। चलो तो ऊपर चलते हैं। तो यार मतलब क्या करना है, तो डायमंड्स ले लिए, एक काम करते हैं अपन डायमंड्स की पिकेक्स वगैरह बना लेते हैं, और संभल के रहना पड़ेगा। और आई थिंक अपन को नेथराइट लेना चाहिए, और आई थिंक मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं है, तो मैं पोर्टल भी नहीं बना पाऊँगा, बट कोशिश कर सकते हैं हम। एक मिनट में डायमंड यहाँ क्यों रखा हूँ, ब्लॉक्स और ये कॉपवेब और स्टिक, ये क्या ले लिया मैंने, स्टिक। तो ओपन करते हैं चेस्ट को, उसको क्या कहते हैं, इसको क्राफ्टिंग टेबल को। वाओ ये रहा है, एक ही चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा मत उछलो।
तो मेरे पास 4 डायमंड्स फिर भी बच गए, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि घूम ना जाए। और हम यहाँ से चलते, एक मिनट, मेरे पास बाल्टी कम पड़ गए, तो यहाँ से पहले ऊपर चलते हैं। हम ऊपर चल के बाल्टी ले आएंगे, मतलब बना लेंगे, है नहीं मेरे पास तो। लेकिन यार इतनी आसानी से नहीं मिलने चाहिए थे डायमंड्स, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग होनी चाहिए थी, तभी तो मज़ा आता है भाई गेम में। बाल्टी बना लेता हूँ, चलो चलते हैं। पानी भर के लाना पड़ेगा पहले, पानी नहीं मिलता वहाँ पे, तो पानी कहाँ पर मिलेगा मुझे। और मैं यहाँ पे एक 2x2 का वो बना लूँगा, क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी वाटर स्टॉक। तो आई थिंक वहाँ पर ये कुछ केव जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पानी होना चाहिए, नहीं है तो उस तरफ होगा पानी कहीं तो होगा, क्योंकि बिना पानी के माइनक्राफ्ट में आई थिंक नथिंग है। वो रहा, नहीं है पानी, नहीं है। फ्लावर्स को देख के धोखा खा गया यार, कितना धोखा खा रहा हूँ आजकल मैं। अब विलेज के पास पानी था, विलेजर्स कहाँ हैं? वापस चलते पहले घर की तरफ, फिर ढूँढेंगे विलेजर्स को। तो विलेजर्स के पास पानी होना चाहिए ना, वहाँ पे नदी थी। मैं जब लास्ट टाइम मैं गया था विलेजर्स के पास, तो आई थिंक वो रहा विलेजर्स को हूँ। तो फुल स्पीड पकड़ लेते हैं हम और चलते हैं। चल यार, कितना भाव खा रहा है। अच्छा भूख लगी है इसको, चल तो भाव तो खा लिया। आप क्या खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। और ये, ओ माय गॉड, मैं नीचे आ गया। तो ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, इसको मतलब पहले वहाँ तक लेके जाना और फिर मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। तो घर घूम गया पूरा। तो हमने बना लिया एक 2x2 का वाटर, इन्फिनिटी वाटर स्टॉक। तो हम अब चलते हैं, और हम जाने वाले हैं कहाँ पे, अपने वो एरिया अपने को दिखाया था ना मैंने आपको, वो नेदराइट ऑब्सीडियन था वहाँ पे। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ किस क्या करने की सोच रहा हूँ, तो आप समझ गए हो। तो चलते हैं अपन फुल स्पीड में, और तो अपन लोग पहुंच गए हैं गेट खोल के बाहर सीधा। और कहाँ पर है वो, कहाँ पर है, ऊंचाई पे चल के देखते हैं हमेशा की तरह। इतनी ऊंचाई, हाँ बुरा पीछे साइड था इसलिए दिख नहीं रहा था। तो दिख गया मेरे को। अब मेरे पास गोल्ड की स्वॉर्ड है, वो स्वॉर्ड नहीं, वो है क्या बोलते ही। हाँ मेरे पास गोल्ड की पिक, डायमंड की पिकेक्स है, तो मैं ऑब्सीडियन को ले सकता हूँ, लेकिन स्टिल डाल देता हूँ। इधर भी पानी डाल देता हूँ, तो ये तो टूटने में बहुत टाइम लगा रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे को मिले ना। मिल गया मिल गया मिल गया। तो हमारे तो दोस्तों वहाँ पर मुझे मिला एक चेस्ट, और चेस्ट को तोड़ने पर मुझे मिला गोल्डन एप्पल तथा ये लेगिंग्स, ये आर्मर और ये फ्लिंट एंड स्टील। यार सब कुछ तो मिल गया, आप क्या बचा। चलो तो अब बना लेते हैं हमारा नेदर का पोर्टल। तो कहाँ पर बनाएं, छत पर, छत इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर बनाइंग नेदर का पोर्टल। तो चलते हैं हमारी छत पर, और यहाँ पर बनाऊंगा मैं पहले स्टेयर्स लगा देते, एक दो, दो की प्लेस छोड़ूंगा मैं फिर। तो ये ऑप्सीडियन से बनता है, क्राइंग ऑप्सीडियन से बनता है, मुझे नहीं पता, तो मैं पहले ऑप्सीडियन से बना के देख लेता हूँ, देन फिर अपन अगर नहीं बनेगा तो फिर क्राइंग ऑप्सीडियन से ट्राई कर लेंगे। हाँ तो मुझे अब ऑप्सीडियन यहाँ लगाना है, यहाँ पर, देन दो ऐसे में और एक यहाँ पे। अब मुझे कूदना पड़ेगा, ओह माय गॉड, हट वो आया। तो आई थिंक ये कहीं बड़ा तो नहीं हो गया, चलो ठीक है ओपन करके देखते हैं। हो गया, कैन आई एंटर नेदर। बच गया। तो क्या मुझे नेदर में जाना चाहिए, इस सवाल का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका जवाब हाँ में आएगा तो मैं नेदर में ज़रूर एंटर करूँगा। चलो ठीक है भाई, पर सब्सक्राइब लाइक शेयर मत भूलना।